Yes. First of all, demo means people. Then second is kresi. Kresi word that has been derived from the Greek language kresia. Kresia means government. Demo means people. So it means what is the meaning of democracy? Government by the people. Government by the people. तो अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन क्या कहती है? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल इन विच पीपल दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? Representative democracy means in which people they elect their representatives and these representatives they make policies for the people. And if the people want to change, they can change them in the elections. So this is called meaning of democracy and the definition by the Abraham Lincoln. Here, so after that, there are two types of democracy. One is direct and second is indirect. Direct democracy was possible or possible only in those countries where population is very less, where people they will not choose their representative. ऐसी democracy जहां पे direct लोग direct participate करते हैं legislation में, law making में, यहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं चुनते। पर ऐसा बहुत रेयर, यानी कि स्विट्जरलैंड में पहले होता था, अब तो ये बहुत कॉमन नहीं। तो आज के टाइम पर में कॉमन टर्म क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज द सेम थिंग। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज द सेम थिंग। ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी द डेमोक्रेसी इन विच पीपल दे रिप्रेजेंट means people they elect their representatives and these representatives form the government. Again, what is the meaning of indirect democracy? Indirect democracy means in which people they elect their representatives and these representatives they form the government and make laws for the people. Clear? That is direct and indirect democracy. After that, which form is better? Or why democracy is better? Why democracy is better than its alternatives? Alternatives यानी कि क्यों democracy जो है वो better है अपने alternatives? Alternatives कौन से? Other forms? Other forms कौन कौन सी? Dictatorship, ऑटोक्रेसी, मोनार्की। क्लियर? व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव्स। ये हैं इसके अल्टरनेट्स। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती, जहां पे डेमोक्रेसी नहीं होती यहाँ पे डिक्टेटरशिप हो सकती है या ऑटोक्रेसी हो सकती है या मोनार्की हो सकती है। तो हमने ये बताना है व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर, व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? तो इसके लिए बच्चे हमने पूरा टॉपिक पहले हमने किया हुआ है, ठीक है, कि डेमोक्रेसी के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या होते हैं। ठीक है, लाइक अगर आपको याद होगा कि हमने 9th क्लास में भी ये पूरा चैप्टर हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जिसमें हमने सिंपल बताए थे मीनिंग्स, है ना। तो बेसिकली आपको डेमोक्रेसी के फीचर्स पता है, लेकिन फिर भी फॉर 2 मिनट्स गोइंग टू डिस्कस ऑल कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं, इसके मेरिट्स क्या होते हैं, डी मेरिट्स क्या होते हैं। क्योंकि आप तभी कहोगे ना कि डेमोक्रेसी बेटर है जब आपको उसके मेरिट्स पता हैं। ठीक है, तो अगर मेरिट्स की बात करें तो डेमोक्रेसी के मेरिट्स बहुत ज़्यादा हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? दैट राइट टू वोट टू ऑल द मैन एंड वुमेन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, तो ये हो गया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। देन फंडामेंटल राइट्स।
अब ये जो फीचर्स हैं ये आप किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में देख सकते हो। हमने इंडिया का एग्जांपल जैसे हम लेते हैं कि इंडिया में क्या है फंडामेंटल राइट्स, दैट सम ऑफ द राइट्स हैव बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजंस एंड सिटीजंस कैन मूव टू कोर्ट। ठीक है, तो ये है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ड्यूटीज भी हैं, कुछ हमें ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं, अगर राइट्स हैं तो हमें कुछ ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी पड़ती है। देन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो होते हैं इलेक्शंस फ्री होते हैं, फेयर होते हैं। ठीक है, वीकर सेक्शंस आर गिवन प्रेफरेंसेस, जो वीकर सेक्शंस हैं उनको प्रेफरेंसेस दी जाती हैं ताकि वो भी जो है वो इक्वल, उनको भी उनके साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है उनको मिले। देन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा रिटर्न होता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंट्री जो होती है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा रिटर्न होता है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है ताकि गवर्नमेंट किसी भी तरह से किसी के साथ इनजस्टिस ना करे और किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन ना रहे रिगार्डिंग लॉज। देन सेपरेशन ऑफ पावर्स, मोस्टली सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो कि हमारी कंट्री में है। लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ प्रेजिडेंट एंड पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिलर मिनिस्टर, एंड जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ ऑल द कोर्ट्स। क्लियर? देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। मिनिस्टर्स जो हैं दे कांट, यू कैन से यू कैन से दे विल नॉट काइंड डू एनी काइंड ऑफ यू कैन से फेवरिज्म। ठीक है, या फिर जजेस जो हैं वो किसी भी तरह से फेवरिज्म नहीं कर सकते। देन ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, लाइक RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, वी कैन गेट एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिपार्टमेंट्स। ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ द मेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा ये तो हमने सारा मतलब किया हुआ टॉपिक है ना, लेकिन और भी मेरिट्स हैं, क्योंकि आपका ये वाला जो चैप्टर है ना, ये स्टेटमेंट बेस्ड चैप्टर, स्टेटमेंट बेस्ड चैप्टर का मतलब होता है यहाँ पे स्टेटमेंट्स विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर। तो क्वेश्चन विल नॉट बी डायरेक्ट एंड द क्वेश्चन विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तभी आएंगे जब आपने अच्छी तरह से डेमोक्रेसी की फीचर्स जो है वो अच्छी तरह से हर स्टेटमेंट को अच्छी तरह से लर्न करोगे और रीड करोगे। अदरवाइज इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में सिर्फ मेरिट्स ही नहीं डीमेरिट्स भी होते हैं। ये हमने अलग से किया था पहले क्वेश्चन है ना, डीमेरिट्स क्या होते हैं, लेकिन जब हमने इसका आंसर देना ना व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर, तो हमने पॉजिटिव बताना है, हमने नेगेटिव नहीं बताना। ठीक है, वो अलग से मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ डेमोक्रेसी में मतलब जो है वो प्रॉब्लम्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। रीजन क्या होता है, व्हेन टू मैनी पीपल विल बी इन्वॉल्व डिले इन डिसीजन मेकिंग विल बी, जब बहुत से ज्यादा लोग जो है वो लेजिस्लेशन में होंगे तो उतने ही लॉज लेट बनेंगे, और जब तक लॉ बनेंगे तब तक उनके बनने की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। ठीक है, डिले इन डिसीजन, तो डिले इन डिसीजन का मतलब होता है जब इतने लोग इन्वॉल्व होंगे, बिल पहले एक हाउस में जाएगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, फिर डिस्कशन होती है, उसके बाद प्रेजिडेंट के पास जाएगा, प्रेजिडेंट भी उसको डिले कर सकता है, तो ऐसे में कई बार बिल जो है वो डिले हो जाती है। देन एक्सपेंसिव इलेक्शंस, आज के टाइम में आप देख ही रहे हो कि इलेक्शंस में कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, रैलीज में या जो भी इलेक्शंस के जो कैंपेनिंग होती है। ठीक है, तो एक्सपेंसिव इलेक्शंस, कॉमन पीपल जो है वो इलेक्शंस कंटेस्ट करने का नहीं सोच सकते। देन अनस्टेबल गवर्नमेंट, ऐसी कंट्रीज जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम भी कई कंट्रीज में होता है, जितनी मल्टी पार्टी सिस्टम ज्यादा होगा उतना ही वहाँ पे अनस्टेबिलिटी जो है, इनस्टेबिलिटी गवर्नमेंट के चांसेस ज्यादा होती है। देन क्लैशेज अमंग पार्टीज एंड क्लैशेज अमंग द लीडर्स, ये तो आम देखा गया है कि पार्टीज के बीच में क्लैशेज होते हैं, लोग रिजाइन कर देते हैं, डिफेक्शन हो जाती है, पार्टीज चेंज हो जाती है। ठीक है, मैनी पीपल दे चेंज द पार्टी फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग, लीडर्स चेंज होते रहते हैं, तो उनका लोगों का ट्रस्ट उन पे नहीं बन पाता है। ठीक है, देन करप्शन स्कैम्स, तो ये तो कॉमन ही है ना, कई कंट्रीज ऐसी हैं जैसे हमारी कंट्री में करप्शन एंड स्कैम्स बहुत कॉमन है। देन इलिटरेट वोटर्स, ये मेन और प्रॉब्लम है डेमोक्रेटिक कंट्रीज की, कि अगर हमारे पास राइट टू वोट है लेकिन वोटर्स इलिटरेट है, उनको यही नहीं पता कि उन्होंने किसको वोट करना है और वोट करने के बाद उसको कैसे उनके वर्क को इवेल्युएट करना है, तो दे डोंट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम। सो दैट्स व्हाई जब भी वो वोटिंग की बात आती है, लीडर्स को इलेक्ट करने की बात आती है, तो वो अपना ब्रेन यूज नहीं करते बल्कि दूसरी पार्टी या दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। सो दिस इज द वे वी कैन से दैट डेमोक्रेसी जो है अभी भी कई कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे इसके डीमेरिट्स देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे सारे, ये वो पॉइंट्स थे जो हमने ऑलरेडी नाइन्थ में किए हुए थे, लेकिन अब जो चैप्टर है, ठीक है, ये भी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है, इसमें भी हमने यही बताना है कि वाई इट इज बेटर फॉर्म, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड का मतलब क्या होता है,
कि हमारी जो आंसर है जो स्टेटमेंट बेस्ड आंसर होगा, ठीक है। तो मैं जितनी भी स्टेटमेंट्स आपको आंसर की फॉर्म में बता रही हूँ, तो ये आपको कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मीन्स आपने उसमें डेमोक्रेसी के फीचर्स बताने हैं, प्रेज बतानी है उसकी, है ना। तो व्हाई इट इज बेटर देन एनी अदर अल्टरनेट, तो इसके लिए स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है आपकी, उन स्टेटमेंट्स को आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। नंबर वन, व्हाई इट इज बेटर देन अदर और इट्स अल्टरनेट, बिकॉज डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजंस। फर्स्ट प्रमोट्स इक्वालिटी, ठीक है। तो सपोज अगर आपको यही क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस में आता, हाउ यू कैन से दैट डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी टू इट्स सिटीजंस, तो आपने सारे जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स बताने हैं जिसमें आपको आपने अपनी कंट्री में ये देखा है कि डेमोक्रेसी कैसे सबके साथ इक्वल ट्रीट करती है। लॉ इज इक्वल, इक्वल जॉब, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जस्टिस इज गिवन टू ऑल, फैसिलिटीज आर गिवन टू ऑल, फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू ऑल। तो इसमें हमने जो जो भी पॉइंट्स लेने हैं वो हमने ये बताना है कि हाउ डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी, इक्वालिटी टू ऑल, ठीक है, ऑल द सेक्शंस, मैन वुमेन, ठीक है। इसमें हमने क्या बताना है, यस डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर अल्टरनेट। फिर हमने साथ में ये भी बताना है दैट इट इज नॉट पॉसिबल इन डिक्टेटरशिप कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल इन हिटलर। मैं जैसे वैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि जैसे हिटलर के टाइम में 52 कम्युनिटीज जो थी उनके साथ इनजस्टिस किया गया, तो दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। ऑटोक्रेसी में अगर ज़ार निकोलस का टाइम, वहाँ पर भी इक्वालिटी नहीं थी, मैन एंड वुमेन की कंपैरिजन में वुमेन वर पेड लेस एंड मैन वर पेड मोर, है ना। मोनार्की सिस्टम की बात करें, किंगशिप लुई 16 के टाइम पीरियड में भी एस्टेट सिस्टम था तो इक्वालिटी नहीं थी। लेकिन डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वालिटी टू इट्स सिटीजंस। मैन एंड वुमेन इक्वालिटी किस सेंस में, मैन और वुमेन यानी कि जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, इकोनॉमिक इकोनॉमिक टर्म्स में लाइक रिच और पुअर के बीच में, ठीक है, ऑल आर इक्वल, ऑल आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट, है ना। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें ये नहीं होता कि दीज आर फॉर रिच, दीज आर फॉर ऑल, एनी बॉडी कैन अप्लाई फॉर द जॉब, है ना। लेकिन कुछ क्वालिफिकेशंस जो हैं वो उनको कंडीशंस को उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दैट प्रमोट्स इक्वालिटी, ठीक है। सेकेंड इज डेमोक्रेसी प्रोवाइड डिग्निटी, मेंटेन डिग्निटी ऑफ सिटीजंस। डिग्निटी मीन सेल्फ रिस्पेक्ट। डेमोक्रेसी ही एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पे सिटीजंस को डिग्निटी या सेल्फ रिस्पेक्ट मिल सकती है। ऐसा डिक्टेटर में नहीं मिलता। सेम हिटलर के टाइम पीरियड में ज्यूइश को जो है डिग्निटी मेंटेन नहीं हुई, हॉलोकास्ट किया गया उनको, है ना, बहुत सी कम्युनिटीज को। देन ऑटोक्रेसी में ज़ार निकोला सेकंड टाइम में डिग्निटी ऑफ सिटीजंस वर नॉट मेंटेन, वर्कर्स वर नॉट गिवन प्रॉपर राइट्स, वर्कर्स ने रिवोल्ट किया। मोनार्की लुई 16 में थर्ड स्टेट, एक्टिव पैसिव सिटीजंस देखा जाए उनकी डिग्निटी मेंटेन नहीं हुई, ठीक है। बट साथ में हमने ये बताना डेमोक्रेसी इज बेटर बिकॉज ये क्या करती है, सिटीजंस की डिग्निटी को मेंटेन करती है, सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी मेंटेन करती है, उनको सोसाइटी में इक्वल ट्रीट किया जाता है, उनके साथ किसी भी तरह से कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट की तरफ से सबको एक जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, और इस तरह से सिटीजन्स जो हैं वो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। देन थर्ड, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। सिर्फ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पर डिसीजन मेकिंग यानी कि डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है उसकी क्वालिटी जो होती है वो बेटर होती है। क्यों? बिकॉज वेन एवर एनी बिल इज पास्ड इन लोकसभा और इन राज्यसभा, ठीक है, देन डिबेट एंड डिस्कशंस आर हेल्ड। प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन जो है वो होते हैं, ठीक है, डिबेट एंड डिस्कशन होंगे एंड पीपल दे आर गिवन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लोगों को एक्सप्रेशन यानी कि लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम दी जाती है, और जितना लोग अपने बारे में, अपने उन बिल्स के बारे में अपनी राय, पब्लिक ओपिनियन ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो डिसीजंस हैं वो ज़्यादा बेटर लिए जाएंगे, ठीक है। अगर डिक्टेटरशिप की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हिटलर का रूल होता था, सिर्फ वन पर्सन,
ठीक है, तो डिसीजन क्वालिटी नहीं हुई, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग का मतलब सिर्फ एक ही ब्रेन काम करेगी, ठीक है, और बाकी लोग नाजी पार्टी उनको फॉलो करती थी, ठीक है। देन सेकेंड ऑटोक्रेसी की बात करें, ज़ार निकोला सेकेंड का भी रूल था, ज़ार निकोला सेकेंड जो कहता था वो लॉ बन जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, पार्लियामेंट नहीं थी। थर्ड मोनार्की की बात करें, लुई 16 के टाइम पीरियड में भी ऐसा ही होता था, ठीक है, मीटिंग भी हुई है, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई, लेकिन किसी भी तरह से ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट प्रपोजल, एंड वी कैन से दैट डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है जो लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर होती है, ठीक है, तो क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पाता। लेकिन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, लोकसभा में राज्यसभा में प्रॉपर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है बिल्स के रिगार्डिंग, और इस तरह से लोगों की ओपिनियन, लोगों की राय जानी जाती है, और जितने ओपिनियन ज़्यादा अच्छी तरह से, हम ये कह सकते हैं, इसमें उन्हें पॉजिटिव बताना है कि जितने लोग ज़्यादा आइडियाज लेकर आएंगे, नई नई जो है वो प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, उतना ही लोगों के लिए बेस्ट है, और सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब है सिर्फ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर जो है, यानी कि जो पब्लिक ओपिनियन है या जो लोग डिसीजन लेते हैं, उनकी अच्छी तरह से क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन बाकी जो अल्टरनेट्स हैं वहाँ पे नहीं, ठीक है। देन फोर्थ, प्रोवाइड्स मैथड टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, मैथड्स टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, इसमें मेन बताना है आपने, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में डिफरेंसेस नहीं होती, ठीक है। मेथड देती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ताकि मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिमूव किया जाए, यानी कि माइनॉरिटीज जो है वो ज्यादा सेटिस्फाइड रहती है एज कंपेयर टू अल्टरनेट्स। जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विल रिमेन मोर सेटिस्फाइड एज कंपेयर टू डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में नहीं थी 52 कम्युनिटीज जो माइनॉरिटीज में थी, ऑटोक्रेसी में भी नहीं होगी, ज़ार निकोलस में सिर्फ क्रिश्चियंस थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, नॉन रशियंस को राइट्स नहीं दिए गए। मोनार्की लुई 16 के टाइम पीरियड में फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट जो थी, थर्ड स्टेट में नो डाउट बहुत ज्यादा लोग थे, पुअर पीपल वर नॉट गिवन प्रॉपर राइट्स, ठीक है, एंड उनको दे वर फेसिंग बर्डन ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस का बर्डन जो है वो सिर्फ उनको बियर करना पड़ता था, तो ये अपने सारा पड़ा हुआ, ठीक है। तो उसी टर्म को फिर हमने इसमें बताना है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें लोगों के प्रॉब्लम्स, जो लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ज़्यादा अच्छी तरह से सॉल्व किया जा सकता है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में जो इशूज़ हैं उन इशूज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से सॉल्व किया जा सकता है, माइनॉरिटीज को सेटिस्फाई किया जा सकता है बाय गिविंग देम रिजर्वेशंस। हमारी कंट्री में बहुत सी ऐसी माइनॉरिटीज हैं जिनको रिजर्वेशन दी गई है, ठीक है, उनको वीकर सेक्शंस हैं, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है, थीके? और इस तरह से जब फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी तो ऑटोमेटिकली कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, और लड़ाई झगड़े का जो रीजन होता है या डिसकंटेंटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट होती है उतना ही कम हो, ठीक है। देन फिफ्थ हमें बताना है दैट डेमोक्रेटिक अलाउ गवर्नमेंट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो इसमें आपने सारा पॉजिटिव बताना है, जो हमने हेडिंग्स डिस्कस की है उन्हीं को ही बताना है आपने, ठीक है। डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अलाउज टू करेक्ट इस मिस्टेक्स, ठीक है, अलाउज टू करेक्ट मिस्टेक्स। कैसी मिस्टेक्स? सपोज पिछले 5 साल में किसी गवर्नमेंट, किसी पार्टी ने लोगों की तरफ, उनकी प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो इस बार वो पार्टी को चांस नहीं देंगे, तो 5 साल के लिए पार्टी सोचेगी कि हाँ जी हमने क्या गलतियां की थी, और उन 5 सालों में जो पार्टी रूलिंग पार्टी होगी वो उससे उसको देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद उसकी कमियां निकालेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जब इलेक्शंस होंगे तो अपने आप को और अच्छी तरह से तैयार करेंगे लोगों के सामने, और बेटर वे से लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, ताकि प्रॉमिसेस करेंगे मैनिफेस्टोज में अपना जो भी पॉलिसीज है उसको पार्ट जो भी है वो लोगों के सामने बेस्ट पॉलिसीज लेकर आएंगे, ताकि लोग उनको चूज करें इलेक्शंस, ठीक है। तो पीपल, और इसमें हर पर्सन जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हर पर्सन सीखता है, चाहे वो पार्टीज हैं, चाहे वो लीडर्स हैं, ठीक है,
इलेक्शंस में वोटर सीखते हैं, दोनों ही तरफ से सीखते हैं, टू वे है, यानी कि लीडर्स भी सीखते हैं और वोटर्स भी सीखते हैं। लीडर्स कैसे सीखते हैं कि वो अपनी गलतियों से सीखते हैं कि उन्होंने पिछले 5 साल में क्या गलतियां की, ठीक है, लोगों ने अगर वो हार गए इलेक्शन में तो क्या ऐसा रीजन था, तो वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और वो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ वोटर्स क्या करते हैं, वोटर्स ने अगर पिछले किसी मतलब पर्सन ने अगर किसी गलत पर्सन को वोट कर दिया तो वो पूरे 5 साल के लिए उसको इवेलुएट करेगा और वो अपनी गलती से सीखेगा, ठीक है, और नेक्स्ट 5 साल के बाद उसको चांस नहीं देगा। लेकिन डिक्टेटर में ऐसा नहीं होता, एक बार हिटलर अगर बन गया तो वो डिक्टेटर ही बना रहा, ठीक है। तो 1932 से लेकर 1945 तक इतना लंबा टाइम पीरियड जो था उसके पास था, ठीक है, तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, तो इसलिए दे कांट करेक्ट देयर मिस्टेक्स, क्योंकि उनको पता है कि दे आर नॉट आंसरेबल। सेम ऑटोक्रेटिक ज़ार निकोलस, ठीक है, उसने भी ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको पता है वो आंसरेबल नहीं है। लुई 16 ने भी ऐसा ही किया क्योंकि उसको भी पता है वो आंसरेबल नहीं है। और अगर बाई चांस उसने भी पावर्स को लिमिट डिलिमिट कर भी लिया, या आपने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि जब उसने लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी 3 पार्ट्स में अपनी पावर्स को डिवाइड कर लिया, बट स्टिल ही मेट विद द सीक्रेट नेगोसिएशंस विद अदर कंट्रीज, ठीक है, उसने फॉरेन कंट्रीज के साथ मिलकर अपनी नेबरिंग कंट्रीज का अपनी ही कंट्री के ऊपर अटैक का प्लान किया, यानी कि उसने अपनी गलतियों से नहीं सीखा और इस तरह से अल्टीमेटली फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसी जो गवर्नमेंट चाहे डिक्टेटर है चाहे ऑटोक्रेसी या मोनार्की, ये ज़्यादा देर तक फिर जो कंटिन्यू नहीं रह पाती, लोग रिवोल्ट करते हैं। और तीनों में ही आपने देखा है कि तीनों में ही लोगों ने काइंड ऑफ अपना एग्रेशन शो किया, ऑटोक्रेसी में भी मोनार्की में भी, और इस तरह से कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटर मानी जाती है जिसमें लोग अपनी गलतियों करेक्ट मिस्टेक्स का मतलब है इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर उन्होंने कोई गलतियां की हैं लास्ट 5 ईयर्स में तो दे कैन करेक्ट देयर मिस्टेक्स, अपने जो भी उनके वर्क हैं उसको इवेलुएट करते हैं और इस तरह से वो बेस्ट, यानी कि वोटर्स अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं और पार्टीज अपनी तरफ से बेस्ट करती हैं, ठीक है। तो दैट वॉज ऑल वाई डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज यू कैन से बेटर देन इट्स अल्टरनेट। क्लियर? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है बेटा? एनी डाउट? इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, ये टर्म्स के बेसिस के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। हाउ यू कैन से दैट डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, legitimate, clear? ये टर्म आप पिछला जो क्वेश्चन है उसमें भी लिख सकते हो। सपोज मैंने आपसे पूछा why democracy form of government is better than its alternate, तो आप ये भी बता सकते हो उसमें कि democratic government is accountable, responsive and legitimate. What dictator and you can say other forms लाइक मोनार्की सिस्टम दे आर नॉट अकाउंटेबल, ठीक है, तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन अलग से भी आप ने अलग से क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना है। इनकी टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, कैन कम इन 1 मार्क, कैन कम इन 3 मार्क्स, कंबाइन इन 5 मार्क्स, और स्टेटमेंट बेस आ सकता है। स्टेटमेंट में अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट टर्म्स हैं, तो आपको जस्टिफाई करना है कि वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताना है अकाउंटेबल, अकाउंटेबल वर्ड जो है इसको हमने क्लियर करना है कि अकाउंटेबल का मीनिंग क्या होता है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट, एक वर्ड याद रखो, आंसरेबल, ठीक है, आंसरेबल, अकाउंटेबल, आंसरेबल, ठीक है। इसी से ही आपने पूरा जो है वो पॉइंट इसको क्लियर करना है दैट अकाउंटेबल गवर्नमेंट कौन सी होती है, दैट इज आंसरेबल, जो आंसरेबल होती है अपने एक्शंस के लिए, यानी कि गवर्नमेंट जो भी करती है उसके लिए वो आंसरेबल होती है, ठीक है, और इनको अपने एक्शंस को जस्टिफाई करना होता है, दे हैव टू जस्टिफाई देयर एक्शंस, जस्टिफाई देयर एक्शंस। इसका मतलब वी आर वोटर्स, आर रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर
answerable to us, क्योंकि हमने उनको चुना है. They are answerable, क्योंकि वो democratic है, वो accountable है, वो answerable है. तो what is the meaning of accountable government? Accountable government is the government which is answerable, जो answerable होते हैं, जिनको answer देना पड़ता है. And they have to justify their actions. वो जो भी करते हैं, चाहे उनके actions हैं, they have to justify their decisions. उनको अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करना पड़ता है. ये तो आपने पूरा लास्ट ईयर देखा है, फार्म्स मूवमेंट, जो फार्मर्स की मूवमेंट थी, जिसमें अगर गवर्नमेंट ने बिल बनाया, 3 फार्म्स बिल, उसको पास भी कर दिया, वो एक्ट भी बन गया, तो किस तरह से फार्मर्स ने मूवमेंट्स के द्वारा गवर्नमेंट जो है उसको क्वेश्चनिंग की. क्वेश्चनिंग का मतलब होता है कि जो उनका बिल है या जो भी उनका लॉ है, ठीक है, हाउ इट विल बी बेनिफिट, कैसे वो बेनिफिट होगा, और उसके लॉस हैं तो वो बताए. यानी कि गवर्नमेंट को जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब होता है बिल पास कर दिया, लॉ बना दिया, लेकिन फिर लोग उनसे आंसरिंग करते हैं कि इस लॉ के पीछे क्या जीएसटी बना था. ठीक है, जीएसटी के पीछे कितना, मतलब लोगों ने, कई लोगों ने इसको अपोज किया, जीएसटी, है ना. तो जब गवर्नमेंट कोई भी बिल पास करती है, लॉ बनता है, नया लॉ बनता है, तो इट मीन्स आंसरेबल का मतलब होता है गवर्नमेंट को जस्टिफाई करना पड़ता है कि क्या उनके कॉजेज हैं, क्या रीजंस हैं, ठीक है, कि क्यों वो लॉ पास किया गया है, और जिनके लिए पास किया गया है उनके लिए वो बेनिफिट कैसे है. अगर लोगों को ये लगता है कि जिनके लिए पास किया गया है उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है, तो लोग फिर क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, मूवमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, रैलीज ऑर्गेनाइज करते हैं, और इस तरह से अपना एंगर, अपनी डिसकंटेंटमेंट, अपना गुस्सा गवर्नमेंट को दिखाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि गवर्नमेंट ने जो जस्टिफाई किया है, ठीक है, दैट इज नॉट करेक्ट. और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही अकाउंटेबल होती है, ना डिक्टेटर होती है, ना ही मोनार्की होती है, और ना ही ऑटोक्रेटिक सिस्टम. ठीक है, फिर हमने और इसमें बताएंगे, क्योंकि रीजन क्या होता है, हमने इलेक्शन का बता देना, बिकॉज इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इन द इलेक्शंस पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड इफ दे विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग, अगर वो नहीं करेंगे उनके काम अकॉर्डिंग, उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, देन पीपल दे हैव पावर टू चेंज देम इन द नेक्स्ट इलेक्शंस. सो वी कैन से दैट इंडियन गवर्नमेंट इज आंसरेबल. हम ये कहेंगे कि जो इंडियन गवर्नमेंट है इज आंसरेबल. इंडियन गवर्नमेंट आंसरेबल है. इंडियन गवर्नमेंट मतलब कौन? MPs आंसरेबल हैं, मिनिस्टर्स आंसरेबल हैं, प्राइम मिनिस्टर आंसरेबल है, ठीक है. तो ये सारे जो है, दे हैव टू जस्टिफाई देयर एक्शंस, डिसीजंस, एंड इफ दे कांट जस्टिफाई, अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब वो कॉन्फिडेंस, यानी कि जो उनका कॉन्फिडेंस है वो खो देते हैं, और लोग फिर उनको नेक्स्ट इलेक्शंस में वोट नहीं करते. दैट इज अकाउंटेबल टर्म. क्लियर? इट इज क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट बेटा? ओके, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिव. Responsive government का मतलब क्या होता है? Responsive government means, इसमें हमने क्या बताना है? That respond positively. Responsible मतलब Indian government या जो government होती है वो respond करती है, वो responsible होती है. ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? लोगों के लिए रिस्पॉन्सिव. सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिव होगी, वो रिस्पॉन्ड करेगी. ठीक है, और इसमें हमने क्या बताना है कि अगर सपोज लोगों की जो भी नीड्स हैं, ठीक है, नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस, लोग जो चाहते हैं, रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू द नीड्स ऑफ द पीपल. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगी, यानी कि लोग जो चाहते हैं, लोगों की जो जरूरतें हैं, लोगों की जो डिमांड्स हैं, एस्पिरेशंस, नीड्स हैं, लोग क्या चाहते हैं, उनकी एस्पिरेशंस क्या हैं, वो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है. रिस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है? उनकी नीड्स को फुलफिल करती है, उनकी एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करती है. ठीक है, क्योंकि लोगों ने इनको चुन के भेजा है. रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट वही डिसीजंस लेती है जो लोगों को एक्सेप्टेबल होते हैं. एक्सेप्टेबल
गवर्नमेंट टेक दोज डिसीजंस विच आर एक्सेप्टेबल टू द पीपल, यानी कि गवर्नमेंट वही डिसीजंस लेती है जो लोगों को एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। और अगर लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अपने डिसीजंस को चेंज भी कर सकती है, जैसे अभी किया, फार्म एक्ट को रिपील कर दिया। इसका मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव मीन्स रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। पॉजिटिवली का मतलब टू द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। एंड एक्सेप्टेबल का मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट होती है एक्सेप्टेबल, लोगों की डिमांड्स को एक्सेप्ट करती है, नीड्स को एक्सेप्ट करती है, एस्पिरेशंस को एक्सेप्ट करती है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली अपना कॉन्फिडेंस, अपना फेथ जो है वो लोगों से खो दे। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट? रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्या होती है? इट इज अ गवर्नमेंट विच रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, जो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करती है टू द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट टेक डिसीजंस, गवर्नमेंट क्या करती है? वो डिसीजंस लेती है, ठीक है, विच आर एक्सेप्टेबल टू द पीपल। गवर्नमेंट वो डिसीजन लेती है जो लोगों को एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। एंड अंडर दिस व्हेनेवर पॉसिबल सिटीजंस आल्सो पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। इसमें लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे? बाय प्रोटेस्टिंग, बाय पार्टिसिपेटिंग इन रैलीज, बाय टेकिंग मूवमेंट्स। और आज आपने देखा होगा कि जितने लोगों ने मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, कहीं ना कहीं उनकी जो है, जो भी उनकी मेहनत थी, उसके कारण जो है वो थ्री फार्म्स बिल जो था उसको रिपील कर दिया। तो इट मीन्स रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। एंड डिसीजंस जो है एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों की जो विल होती है, जो पब्लिक ओपिनियन होती है, उसको एक्सेप्ट करती है एंड कैन चेंज द पॉलिसीज, और पॉलिसीज को चेंज भी कर देती है अगर वो लोगों के अकॉर्डिंग, उनकी नीड और उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, विच आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, ठीक है, दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू रूल्स, सेट ऑफ रूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही काम करती है, वही लॉ बनाती है, वही पॉलिसीज बनाती है जिसके रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न होते हैं, दैट इज लेजिटिमेट। यानी कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिटर्न इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ टाइम इज ओवर, बाकी आई विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, वन मोर थिंग।